फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ म्यूजिक फ्लावर जेल आईलाइनर। और ये जेल आईलाइनर कुछ इस तरह की कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है। ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है और ये आपको purple.com पे भी मिल जाएगा, अमेजोन पे भी मिल जाएगा। लेकिन आप इसके एक बार तीनों पे प्राइसिंग चेक कर लेना। मैंने प्राइस चेक करके तब मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था, क्योंकि फ्लिपकार्ट पे कुछ ये मुझे मिला था 140K अराउंड मुझे मिला था। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ जाके चेकआउट भी कर सकते हैं और पसंद आए तो इसे बाय भी कर सकते हैं। और इसकी अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ ना, तो सच में बहुत अच्छी है। और जेल आईलाइनर बहुत महंगे आते हैं और ये जेल आईलाइनर अपने प्राइस में बहुत अच्छा है। आप देख सकते हैं ये ब्राउन और ये दो शेड हैं, बट ये पहले मुझे नहीं पता, बट मैंने अभी फर्स्ट टाइम यूज़ किया है इसको। ये ब्राउन और पहले ब्राउन और ब्लैक में आता था, लेकिन इसके दो कलर और आते हैं। ब्लैक के साथ ये ग्रीन में भी आता है, ब्लैक के साथ ब्लू में भी आता है। मैंने ब्लैक के साथ ब्लू मंगाया है, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग मंगा सकते हैं। और इसके साथ दो ब्रशेज आते हैं, आप देख सकते हैं दो ब्रशेज बने हुए। ओके, हवा है लॉन्ग वियर जेल आईलाइनर स्मच प्रूफ एंड वाटर प्रूफ। और ये 24 घंटे 24 आवर्स आपका टिका रहेगा, ठीक है। तो और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सपायरी डेट वगैरह, यहाँ पे सब मेंशन, प्राइसिंग वगैरह सब मेंशन है। प्राइसिंग मेंशन नहीं है यहाँ पे, और इसकी एक्सपायरी डेट वगैरह मेंशन है। ये 2018 में बना था, 2021 में एक्सपायरी होगा, और वो भी 6 मंथ में, ठीक है। अब इसको एक बार अंदर से मैं आपको दिखा देती हूँ। इसको मैं 2-3 बार यूज कर चुकी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे जेल आईलाइनर लगाना नहीं आता था, बट इसे लगाने के बाद मुझे लगता है कि कोई भी बिगनर भी है तो वो भी इजीली इसे अप्लाई कर सकते हैं अपनी आईज पे। और देख सकते हैं आप ये दो ब्रशेज हैं इसके साथ, ये देखिए। और इसकी जो पैकेजिंग है ना, बड़ी क्यूट सी है, देखिए कुछ इस तरह की पैकेजिंग में है। और ये दो क्यूट क्यूट से पोर्ट हैं, आप देख सकते हैं। एक में जेड ब्लैक है, एक में ब्लू कलर मैंने मंगाया है। और ये मक्खन की तरह ना, मक्खन की तरह है ये आईलाइनर, एकदम से मक्खन की तरह लग जाता है। सच में बहुत अच्छा है। अगर कोई बिगनर है और अपने बजट में कुछ अच्छा लेना चाहते हैं ना, तो प्लीज़ मैं एक बार कहूँगी इसे ज़रूर ट्राई करो, बहुत अच्छा है। और फ्लिपकार्ट से परचेज करना, क्योंकि फ्लिपकार्ट पे इसके रेट बहुत कम है। और पर्पल पे भी मैंने ट्राई करा था, पर्पल पे शायद 250 के अराउंड था उस टाइम पर। और इसे फ्लिपकार्ट पे आप तीनों पे चेक करके तब ही इसको मंगाना, जहाँ आपको रेट कम लगे वहीं से आप मंगाना, ठीक है। आप ये देख सकते हैं अंदर से। अब मैं आपको इसके स्वॉचेस दिखा देती हूँ इन पर। यार देखो कैसे मक्खन की तरह लग जाता है यार ये। और लाइनर तो यार हर किसी को मतलब चाहिए ही चाहिए यार। ये देखिए मक्खन की तरह लगता है यार ये लाइनर ना, बहुत अच्छा है। प्लीज एक बार इसको ट्राई करो। और इसका ब्लैक कलर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ब्लैक कलर जो है जेड ब्लैक है, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ अभी। यार देखो मुझे बहुत अच्छा लगा यार, सच में बता रही हूँ, बहुत अच्छा है। एक बार प्लीज इसको ट्राई करो, बहुत अच्छा है ये। एक बार इसे ट्राई करोगे ना आप, सच में कहोगे कि हाँ सच में बहुत अच्छा है। और इसे अभी आपको मैं अपनी आईज पे भी अप्लाई करके दिखाने वाली हूँ। इस आईलाइनर को आप ऐसा आई शेडो भी यूज़ कर सकते हैं, और कभी भी आप आईलाइनर लगाएं, चाहे जेल हो या कोई भी हो, लिक्विड हो, तो आप उसे सेट होने ज़रूर दीजिए, क्योंकि सेट नहीं होने देंगे तो वो एकदम से स्मज हो जाएगा। आप देख सकते हैं दोनों आईज़ पे मैं लगा, एक आईज़ पे मैं लगा चुकी हूँ, दूसरी आईज़ पे लगा रही हूँ। और इससे आप अपनी आईब्रोज को भी फिल कर सकते हैं। ये ज़ीरो फिल कर रही हूँ, लाइटली फिल कर रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं। और अब मैं काजल की तरह लगाऊंगी इसको।
आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, पतला मोटा जैसे आपको लगाना है आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं इसको। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। बता रही थी मैं आपको, कभी भी आप जेल आईलाइनर जब ब्रश से यूज़ करें तो उसको क्लीन करके ज़रूर रखें, क्योंकि अदरवाइज आप जब नेक्स्ट टाइम यूज़ करेंगे उस ब्रश को तो वो ब्रश हार्ड हो जाता है और वो कलर भी रह जाता है उस पर। तो इसे ना, इसे कोई भी आप वाइप्स ले सकते हैं और उससे अच्छे से क्लीन करके आप उसे रखिए। ये देखिए मैंने दोनों ब्रश क्लीन कर लिए, और एक बार टेस्ट कर लेते हैं ये कि वाटरप्रूफ है या नहीं है। ये आपके सामने मैंने एक वाइप्स लिया हुआ है, ठीक है, इसी से करेंगे हम, पानी से भी नहीं करेंगे, वाइप्स से करेंगे एक। ये देखिए एक स्वैप में ये देखिए आपके सामने करके दिखा रही हूँ। ये देखो कोई भी वो, कोई भी, ये देखिए नहीं निकल रहा है। ये देखिए दोबारा करती हूँ, ये देखिए ज़्यादा तेज करेंगे तो इतना सा निकला है। ये मैंने लगाया था उस दिन, पता है लगाने के बाद ना बड़ी मुश्किल से ये निकला था, मतलब मुश्किल से क्या, मुझे काफ़ी देर लग रही थी इसको निकालने में। ये देखिए इसको अच्छे से रगड़ रही हूँ, अच्छे से रगड़ने के बाद ये ब्लैक वाला गया है, ब्लू वाला अब भी रह गया इसमें। ये देखिए अब भी रह गया इसमें, ये देखो अब क्लीन हुआ है, इतना रगड़ने के बाद क्लीन हुआ है। अपने बजट में अगर आप जेल आईलाइनर ढूंढ रहे हैं तो प्लीज़ मैं कहूँगी आपसे कि एक बार इस आईलाइनर को ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि ये 24 आवर्स तक ये लगा रहता है, स्मच नहीं होता है, स्मच प्रूफ है ये, ठीक है। और क्योंकि जब मैंने लगाया था तो ये दिन में लगाया था और रात तक ऐसे ही टिका रहा था, और जब मैंने इसको रिमूव कर रही थी ना तो भी बड़ी मुश्किल से, मतलब मुश्किल से क्या, थोड़ा टाइम लिया था इसने निकलने में। तो ये स्मच प्रूफ है, ये नहीं हटेगा, आपका टिका रहेगा, ठीक है। तो इसको ज़रूर ट्राई करो, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप ट्राई कर सकते हैं। और आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा, और इसे बाय ज़रूर करना आप, एक बार ज़रूर इसको ट्राई करो आप लोग, ठीक है। अगर आप अपने कोई सॉरी अगर आप बिगनर हैं और अपनी पॉकेट मनी के हिसाब से कुछ लेना चाहते हैं ना, तो यार सच में आप लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है ये, क्योंकि ज़्यादा महंगा भी नहीं है और जेल आईलाइनर भी आपके पास आ जाएगा, स्मच प्रूफ आपको मिल रहा है, और क्या चाहिए यार। तो एक बार ज़रूर ट्राई करो इस प्रोडक्ट को, ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।